गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज तो सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। दो दिन से ना तबीयत खराब है, बुखार हो रहा है। 17 की शाम से हो रहा है बुखार। तो कल तो पूरा दिन बहुत तेज बुखार रहा, फायर कॉलेज से आई बहुत तेज हो रखा था बुखार। इसने यहाँ आकर चाय दी, फिर दवाई दी, तब थोड़ा हल्का हुआ। अब सुबह जब उठी थी तब ठीक था, मतलब लग रहा था कि अब बुखार नहीं है। अब नहा ली और पूजा कर ली है, तो वापस से ना फिर हो रहा है कि शुरू हो गया होना। तो अभी पहले चाय बना रही हूँ, चाय पी के मैं कुछ खा के इसके साथ दवाई लूंगी। और खाने में आज मैंने मटर उबाले हैं। ये मटर होते हैं ना चाट वाले मटर, क्योंकि अभय कह रहा था 2-3 दिन से कि मम्मी चाट बना लो मटर वाली, और अभय 2 दिन से है नहीं यहाँ पे। 17 को उसको पेपर था मेरठ, वो मेरठ चला गया था, और फिर 18 को वो सुबह अपने मामा के यहाँ चला गया। 17 की शाम को बुआ के यहाँ रुक गया था मेरठ, 18 को अपने मामा के यहाँ चला गया। आज वो वापस आएगा तो मैंने आज उबाल के रख लिया मटर। जब वो आएगा तभी मैं चाट बना दूंगी, और थोड़ी सी पायल के लिए बना दूंगी। और गला बिल्कुल बेकार हो रहा है, बोलना नहीं जा रहा बिल्कुल भी, लेकिन इसी वजह से कल भी कुछ नहीं कर पाई, ना ब्लॉग बनाया, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चाय बन गई, ये 100 प्लस 200 प्लस आ गए। ये बोली सिट्राजिन है गले के लिए, गले में खराश है, और डोलो है बुखार के लिए, हड़कल के लिए। आपको सही लग रहा होगा ना, अजीब सा कैसा हो रहा है फेस। दो दिन तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, इसलिए कुछ नहीं हुआ। कल रेनू बाल्टी रख के गई थी कि दीदी मेरे लिए 3-4 पौधे लगा देना। ठीक है लगा दूंगी, मगर शाम को लगाऊंगी। लेकिन शाम को इतनी तेज बुखार हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं लगा पाई। आज देखूंगी थोड़ा सा दवाई लेकर, अगर थोड़ा रिलीफ मिला तो उसके पौधे लगा के दूंगी। हो गई पूजा? कॉलेज नहीं जा रहे हो आज? कॉलेज नहीं जा रहे? अरे वो तो है नहीं, वर्क नहीं ओपन कंप्लीट। अच्छा तो अभी चाय पी के और फिर कपड़े सुखाया ना ऊपर, ठीक है? ठीक है चाय पी लो पहले, फिर कपड़े सुखा देना। और लक्की आज कहाँ जा रहे हो तैयार होके? नानी क्या? हाँ। नानी क्या क्या है? बस कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। ठीक, तो आज नानी के घर जा रहे हो तुम घूमने? हाँ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा नानी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? अभी तक कोई बाहर आया ही नहीं। देखो इस मिट्टी में डाल दे इसे। बस है, ऊपर ऊपर डाल दे जितने में तेरी बाल्टी भर जाऊँ, जो तीनों बाल्टी है तेरी एक साथ घेर दो, मैं अपने आप मिला लूँगी। चलो पौधा कौन कौन सा चाहिए वो लेके आओ पहले। तो रेनू ने ना 3 प्लांट लिए हैं, एक मनी प्लांट, और एक लिया है तुलसी का पौधा, और एक लिया है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते के बहुत छोटे छोटे से थे, और तुलसी एक बड़ा पौधा एक छोटा, और ये मनी प्लांट की टहनी भी मैं लेके आ गई हूँ। और ये बाल्टियों में मिट्टी फिल कर दूंगी, मिट्टी और खाद दोनों चीज़ मिला ली हैं। तो इसको फिल करने के बाद इसमें मैं लगा दूंगी। और गर्मी इस समय बहुत हो रही है, इस समय पौधे थोड़े जल जाते हैं, तो इन्हें छाँव में ही रखना पड़ेगा। मैंने रेनू को बता दिया है कि कैसे करना है, वो अपना इनका ध्यान रखेगी तो शायद चल जाएंगे, नहीं तो जब बरसात का मौसम होता है ना जब ज़्यादा चलते हैं पौधे।
ला पानी दे दो थोड़ा सा, इनमें पानी उतना ही देना, मतलब लिमिट से ज्यादा नहीं, हल्का हल्का सा, है ना। हाँ एक दो दिन तो देना पड़ेगा जिससे कि जड़ पकड़ ले। अभी तो देना ही है, इनमें छह दिन तो इनमें रहेगा पानी। तुलसी महारानी भी देखी चाहिए क्योंकि अब गर्मी बहुत हो रही है ना, इस समय निकाली ना तो खड़ी तो हो जाऊंगी। वैसे हो जाएंगी ये जड़ पकड़ लेंगी ना, ये आप ही हो जाएंगे। या तनु आए ना तो यही रख दे उसको, शाम के टाइम लेके जाऊंगी ना। तेल निकाल लिया है, रेनू के लिए पौधे भी लगा दिए हैं, नीचे लेके जा रही हूँ। दो दिन हो गए खत्म हो गया था बड़े डिब्बे में तेल, तो फिर अचानक एकदम से खत्म हो जाए तो दिक्कत होती है सब्जी बनाने में। और अभी थोड़ा सा आराम है पहले से सुबह से, तो मैंने सोचा चलो पौधे भी लगा देती हूँ, ऊपर जा रही तो तेल भी लेके आ जाऊंगी। रेनू कर रही ऊपर काम अभी, और दूध में नीचे लेके, और अब अभी आने वाला है, देखते कितनी देर में आएगा तब बनाएंगे कुछ खाना। तेल रख देते हैं रसोई में, अब बना लेते हैं चाट। तब तक अब आता है तो चाट बना के हम तैयार कर लेंगे, मटर की चाट, छोले कुलचे कह सकते हैं आप, जैसे छोले कुलचे के साथ जो चाट मिलती है ये वही मैं बना रही हूँ, मटर की बनती है, उसे कहते ही छोले कुलचे हैं। तो ये मैंने ले लिया है अमचूर पाउडर, सादा नमक, काला नमक और मिर्च, हरी मिर्च काट ली है, मिर्च अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, प्याज और टमाटर, और ये मैंने काट लिया है खीरे। हमने बहुत सारी सब्जी काट ली है, और इसमें आप मूली भी कसकर डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। और ये हैं सूखे सफ़ेद वाले मटर जो आते हैं, उन्हें भिगो के रात को भिगो दिए थे और सुबह उबाल लिया है इनको। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा है मसाले सारे, इनको हम पानी गेर के और मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इनको सूखा डाल देंगे ना तो हम चूर्ण ना बारीक होता है तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इस तरह करके आप डाल दें तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इवनली फैल जाएगा ये सारे में। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं वो डाल दूँगी, और ये बड़ी अच्छी लगती है चाट खाने में। चाहे तो आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, पाव के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो आप कुलचे ला के मार्केट से कुलचे भी खा सकते हैं, नहीं तो कुलचे घर में भी बन जाते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं रोटी पराठों के साथ। तो अब मैंने सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं अच्छे से, खीरे भी डाल दूंगी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर आप देख सकते हैं मसाले, अगर आपको चेक करके देख लीजिए मसाले आपको कम या ज़्यादा लग रहे हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। और मिर्च मैंने काफ़ी डाल लिया क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो खा लेंगे मिर्च, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप थोड़ी कम मिर्च डाल सकते हैं इसमें, तीखा या मतलब हल्का तीखा जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार होती है घर में ही। चाहे तो आप इसमें इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं, इमली को पानी में भिगो के उसका पेस्ट बना के वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें दो नींबू भी निचोड़ दूंगी क्योंकि नींबू का फ्लेवर एक अलग ही आता है, चाहे हमने इसमें अमचूर भी डाला है लेकिन नींबू डाल देते हैं तो एक अलग ही महक हो जाती है इसमें, तो मैं नींबू भी डाल दूंगी इसमें। और मार्केट से आप लेने जाते हैं ना 20 रुपये में बिल्कुल थोड़ी सी मिलती है, तो अब घर पर आप 20 या 25 रुपये की मटर लेके देखो पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। और मैंने हमारे बच्चे खूब अच्छे से पसंद करते हैं, अबे के बाबा भी बहुत पसंद करते थे इस चाट को, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सी बनाई है। और बस अबे आने वाला है, मैंने चाट बना के रख लिए, उसके आने के बाद बस रोटियाँ सीखेंगी। तो लीजिए जी ऐसे सर्व करिए और खाइए। आ गया है अबे, रोहित के साथ आया है, चल पानी दे भैया को दोनों को।